नमस्कार। वर्षा चौमासा श्रृंखला के अंतर्गत कल आप बता रही थी कि राग बिहाग में तीज का जो पद, जी हाँ, ख्याल की बंदिश के रूप में तो इसे सिखाया ही जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे बंदिश की ठुमरी कह के भी गाते हैं। तो आप देखिए, एक ही पद को ख्याल गायक भी गाते हैं, बंदिश की ठुमरी भी कह के गाया जाता है, और भक्ति पद भी है, यानी एक तरह से इसे भजन भी कहा जा सकता है, क्योंकि मंदिरों में राग सेवा के दौरान गाया जाता है। जी, वर्षा काल में जितनी तीज के साथ हम ये भी कहते हैं कि तीज त्योहार, जी बिल्कुल, तो और भी त्योहार आते हैं, जी बिल्कुल, उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे ना, जरूर जरूर करेंगे। लेकिन आज आप क्या क्या नहीं किया देखिए श्रृंखला में, हमने शादी करा दी, लग्न लगवा दिया, फिर तीज मना ली, तो सब कुछ करेंगे धीरे धीरे। तो आज आपने क्या सोचा है? मैं सोच रही थी कि तीज त्योहार की बात चल रही है, तो आपने कहा कि अलग अलग जो संप्रदाय हैं, अलग अलग जगहों पे तीज का भी मनाना, थोड़ा सा फर्क इधर उधर होता हो, लेकिन मूल रूप से एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक और पद मुझे मिला, वल्लभ संप्रदाय में भी गाया जाता है, जो अन्य वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें भी, कुछ गौड़ीय संप्रदाय इत्यादि में के मंदिरों में भी ये गाया जाता है, और ये एक संग्रह में मुझे मिला जिसमें कि मेहंदी सिंधारे के पद के रूप में इसे दिया गया है। और सिंधारा वो होता है, वो जो उत्सव मनाने के लिए सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, शगुन के रूप में जो साड़ी चूड़ी श्रृंगार का सामान इत्यादि दिया जाता है, वो एक सिंधारा होता है, और सब लोग मिलके झूले पे बैठ के पकवान खा के एक मौज मस्ती का त्योहार ये है। वो मेहंदी सिंधारे के पद के रूप में मुझे ये मिला, और इसे मैंने तिलंग राग में निबद्ध करके गाने का प्रयास किया है। ये ख्याल के रूप में नहीं है, ना कि ठुमरी के रूप में है। मेरी चेष्टा ये रही है कि जो साहित्य है उसमें जो एक मस्ती है, एक अल्हड़पन है और एक निवेदन है, वो प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो आपको बोल सुनाऊं थोड़े से? बोल भी सुनाइए और तिलंग का रूप भी थोड़ा समझाइए। जरूर जरूर। तो ये खमाज जो थाट है उसका एक राग है ये, और इसमें ठुमरी इत्यादि उपशास्त्रीय संगीत के अन्य गीत प्रकार इसमें काफी मिलते हैं। जी, तो इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है। गामा पानी सानी पागामा गा पागामा गा सा सा गामा पागा गामा नी पामा गा गामा पानी सागा सानी पागामा गा सा। ये तिलंग का स्वरूप माना जाता है, और इसी में मैंने ये पद इसको ढालने की कोशिश की। तो पद भी बताइए, बोल। पद कुछ इस प्रकार है। मैया अब हिंडोर गढ़ावो, वह सावन के झूले पड़े। हाँ, तो माता से अनुरोध है कि अब आप झूला डलवाइए, हिंडोरा गढ़वाइए। मैया अब हिंडोर गढ़ावो, लेकिन ऐसा वैसा नहीं कि बस ऐसे ही कहीं एक टायर लगा के जैसे बंध जाता है, वैसा नहीं। सोनी सुघर बुलाए नगर के, हाँ? यानी जो शहर का प्रतिष्ठित सुनार है, हाँ? उसको बुलाइए आप, हाँ, नगर का, हाँ, हाँ। सोनी सुघर बुलाए नगर के रतन अमोल जड़ावो, तो रत्न जटित हिंडोला हिंडोले में, हाँ, 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 हाँ। और उसके लिए बाकी तैयारी कैसी होगी, क्योंकि झूले, हाँ? पे यूं ही हम ऐसे फटे हाल तो नहीं बैठ जाएंगे। तो गहरे रंग चुनरी साड़ी छीपन पे जो रंगावो, विशेष रूप से उसे छपवाया जाए, रंगवाया जाए, ऐसी साड़ी आप गहरे रंग की तैयार करवाइए, और केवल मेरे लिए नहीं, कन्या गोप जिती मो साथिन, वाह वाह, सादर सब पहिरावो। क्या बात है, हाँ। तो सब जो कन्याएं हैं, मित्र हैं, सहेलियां हैं, सब उनके लिए गहरे रंग की विशेष छपाई के साथ वो साड़ी आप तैयार करवाइए। ये सावन मन भावन रानी मोको उबटी नहावो, तो उबटन लगा के जो स्नान होता है वो बहुत जरूरी है, उबटी नहावो, सब सखियन में सुंदर लागो रच सिंगार बनावो। वाह, सब सखियों को छपाई की हुई सुंदर साड़ी गहरे रंग की तो चाहिए, लेकिन सब सखियों में इसको सुंदर भी दिखना है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो अब तक ब्यूटी पेजेंट नहीं होता था, पर ऐसा ऐसा इच्छा रहती थी कि सबसे सुंदर हम नजर आए। और फिर क्या पकवान क्या होंगे उसका भी संकेत इसमें मिलता है। पुआ करी, जो पुआ होता है मालपुआ, जी, पुआ करी कीरति मैया गुझा मेवान भराओ, मेवा से, जी, मेवा से भरी गुजिया वो बनेगी।
अधिक राचनी जो ज्यादा रचे, अधिक राचनी मेहंदी सो ले तुम मोकरन लगाओ। वैसी वाली नहीं जो कि ऐसी हल्की धुंधली सी आ जाए, पर जो अधिक रचे वैसी गहरी मेहंदी वो चाहिए मुझे। और फिर झूले का वर्णन है, मानिक चौक पौरी के आगे तहां ले खंभ रुपावो, और जो उसके खंभे बने हैं उस पे मरुवे और मयार जुडांडी चित्र विचित्र करावो। तो क्या भव्य एक दृश्य बनता है जी, मयूर मरावे मरुआ मरुआ और उस फूल लगा के उसे सजाया जाए। और ये जो तीज त्योहार अति बड़ो सब मन मोद बढ़ावो, ये तो इसीलिए होते हैं तीज त्योहार के, सब अपना मौज मस्ती करें। उमड़े श्याम सजल घन गर्जन गहरी सुनी सच पावो, उसका सच्चा आनंद जो है तभी होता है जबकि बादल भी उमड़ रहे हैं और बादल की ध्वनि और नगाड़े जो बजते हैं बादल के वो भी सुनाई दे। ये वृंदावन दास जी का लिखा हुआ पद है और ऐसे बहुत संत कवि रहे जिन्होंने कितना साहित्य लिखा है, उनमें से ये तो अब देर न करियो चला सकी जी
राग तिलंग में शुभाजी ने हमें सुनाया है तीज त्योहार का पद। शुभाजी कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। माझे आलेच नाही बोय ना। अरे